चंगावती दोनों हाथ जोड़कर महात्मा जी के आगे, बाबा मैं आपके लिए भोजन तैयार कर रही हूं। बाबा बोले मैं चावल नहीं खाता हूं, रोटी नहीं खाऊंगा। कहा तो भोजन में क्या कीजिएगा जरा बताइए। तो महात्मा के रूप में भगवान थे, सोचे मैं बैकुंठ छोड़ करके आया हूं, चंगावती के पास में एक बेटा उसका जिसका नाम चंदन था। कहा तुम मुझे भोजन करवाना चाहती हो तो सोच लो, विचार लो, नहीं तो भूखे चला जाऊंगा। चंगावती कहती बाबा आपको भोजन में क्या चाहिए जरा बोलिए ना। कहा 5-6 साल का मासूम तुम्हारा एक बेटा है जिसका नाम चंदन है, चंदन का मांस भोजन करवाओगी? चंदन के मांस के सिवा इस महात्मा को कुछ नहीं चाहिए। चंगावती बोली बाबा आप तो वैष्णव हैं, आपके गला में तुलसी की माला है, तो आप मांस कैसे खाएंगे? भगवान माया विस्तार किए, तुलसी की माला वो बदल करके रुद्राक्ष हो गया। कहा मेरे गला में देखो ये तुलसी की माला है, तुलसी की माला नहीं है, मैं तो जात का अघोरी हूं, सिर्फ रूप रंग महात्मा का है। अगर अतिथि समझ करके भोजन करवाओगी तो मैं भोजन करने के लिए तैयार हूं, और नहीं तो तुम जहां से लाई हो वहां पहुंचा दो। चंगावती अपने पति को देख रही है, पति बेचारे पत्नी को देख रहे हैं, अब दोनों धर्म संकट में पड़ गए। चंगावती कही बाबा आप कहीं बोलने में भूल नहीं किए, आप जरा दिमाग लगा करके सोच करके बोलिए। कहा मैं सोच लिया। बाबा सोचे अब तो चंगावती फंस गई जाल में, अब ये जहां से लाई है वहीं पहुंचा देगी, और ये दोनों प्राणी धर्म से नीचे गिर जाएगी, इसका अभिमान समाप्त हो जाएगा। चंगावती सोच रही है और सेठ सगाल जी सोच रहे हैं। सेठ जी बोले कि चंगावती क्या करोगी, जब बार बार तुम जिद कर रही हो और महात्मा जी नहीं मान रहे हैं, तो बाबा को बेटा का मांस खिलाना है, अगर धर्म के चलते बेटा भी मर जाएगा तो मेरे नाम से ग्रंथ बन जाएगा, तुम क्या देख रही हो? चंगावती का बेटा उसमें पाठशाला में पढ़ रहा था, गुरु जी के आश्रम में पढ़ रहा था। चंगावती कही बाबा एक बार और पूछती हूं, बाबा आप क्या भोजन कीजिएगा? कहा बेटा का मांस। क्या बेटा को मारना नहीं चाहती हो? अगर तुम्हारा बेटा तुम्हारे सामने आएगा तो बीच में बेटा बैठेगा, एक बगल तुम बैठ जाना और एक बगल तुम्हारे पति देव बैठ जाएंगे, और माथे पर आरा रख करके चंदन को काट करके दो भाग में बांट देना है, ये बात स्वीकार है? तो महात्मा को भोजन करवाओ। चंगावती रोती कलपती चली जा रही है। चंगावती जो जा रही थी, महात्मा जी सोचे चंगावती जब बेटा का मोह में तुम माया जाल में फंसोगी तो महात्मा भूखे चले जाएंगे। माया अपर ठगनी हम जानी, माया पर ठगनी हम जानी, माया पर ठगनी जाने।
ना तो माया ब्रह्मा जी को छोड़ा, ना तो विष्णु को छोड़ा, ना तो शंकर को छोड़ा, ना तो राम को छोड़ा, माया किसी को नहीं छोड़ा। विष्णु के घर लक्ष्मी विराजे, ब्रह्मा के ब्रह्मानी हो। विष्णु के घर लक्ष्मी विराजे, ब्रह्मा के घर ब्राह्मणी हो। विष्णु के घर लक्ष्मी विराजे, ब्रह्मा के ब्रह्मानी हो। विष्णु के घर लक्ष्मी विराजे, ब्रह्मा के घर ब्राह्मणी। जीवी के घर पार्वती जे, जीवी के घर पार्वती जी, जीवी के घर पार्वती जी, इनके महिला में जानी माया। माया पर ठगनी हम जानी, विष्णु के घर लक्ष्मी विराजे, ब्रह्मा के घर ब्रह्मानी, शिव के घर पार्वती के रूप में माया, माया किसी को नहीं छोड़ा। चंगावती चली जा रही है, पाठशाला के गेट पर जब पहुंचती है ना, तो उस समय चंदन गुरु जी के आश्रम में पड़ रहा था। मां गेट पर से आवाज देती है, बेटा चंदन चलो रे बेटा, एक माता जी के ओर से आशीर्वाद आया है। चंगावती आवाज देती, बेटा चंदन चलो रे बेटा, मैं बुलावा जन्म जन्म के रोग कटावा। चंगावती बोली, बाबा मैं आपके लिए बेटा को वैद्य समझ करके आवाज दे रही हूं। चंगावती कही, बेटा जल्दी चलो, दरवाजे पर एक साधु बाबा आए हैं और वो वैद्य का काम करते हैं, तुम्हारे शरीर के अंदर जितना बुराई है सबको साफ कर देंगे। चंदन कुमार अंदर से आवाज दिया, मां जिस कारण मैया वैद्य बुलावा, अशो कारण हम आगे जाना। तुम हमारे लिए वैद्य नहीं बुलाई हो, एक कुष्ठ रोगी बाबा आए हैं, तुम उस बाबा को उठा करके टोकरी में लाई हो। बाबा दरवाजे पर बैठे हैं, वो मेरा मांस खाना चाहते हैं, तुम क्यों संकोच करती हो? वो साधु के रूप में साक्षात भगवान हैं, अगर मेरा मांस उनके भोजन के लिए बनेगा तो जीवन में मेरा उद्धार का रास्ता बन जाएगा, कोरा कागज में नाम लिखा जाएगा। चलो मां, मां के हाथ को पकड़ करके चंदन कुमार महात्मा जी के आगे चल दिया। एक राजा साहब अनाउंस कर दिए कि 1 से 20 तक जो गिनती करेगा उसको 20 लाख रुपया मिलेगा। गिनती कितना करना है? 20 तक। रुपया कितना मिलेगा? 20 लाख। 20 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10 हजार, लाख, 20 लाख। 20 लाख का नाम जो ही आया ना,
तो सब आदमी राजा साहब के राज दरबार में लाइन लग गए। बस 20 तक गिनती करना है, और जो गिनती में बोलने जा रहा हूं ये गिनती आपको किताब में नहीं मिलेगा, टीवी में भी नहीं मिलेगा, ये गिनती आपको सत्संग भजन के दरमियान ही मिलेगा। प्रत्येक आदमी लाइन में लग गए। सवेरा जब होता है राजा साहब जगे, देखे कि लाइन लगा है, लंबी कतार है। राजा साहब बोले कि आप लोग क्यों आए हैं? प्रजा बोला कि आप ही तो अनाउंस किए हैं कि 1 से 20 तक जो गिनती करेगा उसको 20 लाख का चेक मिलेगा, तो हम लोग गिनती करने आए हैं। राजा कहा गिनती कर पाओगे तुम लोग? कहा गिनती नहीं करेंगे, 1 से 20 तक गिनती करना है। पहला आदमी जो लाइन में लगा था वो राजा साहब को बोले कि हम गिनती करेंगे। राजा साहब आप मेरे गिनती को सुनिए, मैं गलती तो नहीं बोल रहा हूं। राजा साहब कहे कि गिनती करो। पहला आदमी लाइन में जो लगा था वो आदमी गिनती शुरू कर दिया राजा साहब के सामने, 1 2 3 4। राजा साहब निकाल दिए, कहा ये गिनती का तरीका नहीं है। दूसरा आदमी का नंबर आया, सोचा ये धरफर में गिनती किया, इसलिए राजा साहब इनके गिनती को लायक नहीं किए, थोड़ा हम धीरे से चलते हैं। दूसरा आदमी गिनती शुरू किया, 1 2 3। राजा साहब के तुम भी हट जाओ, ये गिनती नहीं है, निकलो। दूसरा आदमी भी चला गया। तीसरा आदमी का नंबर आया, सोचा कि ये दोनों हिंदी में गिनती किया, हम अंग्रेजी में करते हैं तब मेरा गिनती पास होगा, 20 लाख रुपया मिलेगा। तीसरा आदमी गिनती शुरू कर दिया, 1 2 3। राजा साहब कहे कि ये कन्वेंट है, क्या भागता है कि नहीं? राजा साहब तीसरा आदमी को भी भगा दिया। अब लाइन के अंदर जितने लगे हैं सब तो कांप रहा है कि भाई कौन गिनती करवाएगा, सबको तो राजा भगा रहा है। चौथा नंबर में एक लड़की की नंबर आ गई। नारी प्रधान देश इसलिए कहा गया है, लड़की की जब नंबर आई तो राजा बाबू बोले कि लड़की 20 तक गिनती करना है, 20 लाख रुपया मिलेगा। लड़की बोली कि हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, हम 1 से 20 तक गिनती करते हैं, आप मेरे गिनती को सुनिए, गलती होगी तो आप हमको जुबान रोक दीजिएगा, और आप राजा हैं आप भी गिनती कीजिए, आप भी गलत गिनती करेंगे तो हम आपकी गिनती को भी रोक देंगे। अब राजा साहब भी पानी पीना शुरू कर दिए कि भारत देश की नारी हम सबको मजबूर कर रही है। लड़की बोली बाबा राजा साहब आप गिनती शुरू कीजिए, हम आपके गिनती को चेक करेंगे, हम गिनती करते हैं आप हमारे गिनती को चेक कीजिएगा। राजा साहब बोले हम रुपया न देंगे, कहा हमको रुपया पैसा नहीं चाहिए, सिर्फ गिनती चाहिए, आप गिनती कीजिए, राजा हैं, कहीं आपसे गलती हो जाएगी तो आप अकेले गलती करेंगे और सभी प्रजा को भोगना होगा, इसलिए हम आपके गिनती को देखना चाहते हैं कि आप राजा हैं, आप सही करते हैं कि नहीं, हम भी गिनती करते हैं, आप हमारे गिनती को चेक कीजिए। राजा साहब गिनती शुरू कर दिए, प्रजा सब में शोर मच गया, कहा कि आज राजा साहब फेरा में फंस गए। राजा साहब कहे लड़की मैं गिनती कर रहा हूं, मेरे गिनती को चेक करो। राजा साहब गिनती में बोले 1, लड़की बोली ईश्वर 1 होते हैं। राजा बोले 2, लड़की बोली शरीर में 2 चीज है, निर्गुण और सरगुण, निर्गुण मतलब आत्मा, सरगुण मतलब शरीर। राजा बोले 3, लड़की बोली आकाश पताल मर्त्यलोक, ये तीनों लोक है। राजा बोले 4, लड़की बोली 4 वेद होते हैं। राजा बोले 5, लड़की बोली महाभारत में 5 भाई पांडव थे। राजा बोले 6, लड़की बोली 6 शास्त्र होते हैं। राजा बोले 7, लड़की बोली माघ सप्तमी के दिन हर कोई माँ बहन माघ सांते करती हैं। राजा बोले 8, लड़की बोली भादव पहला पोंग अष्टमी को जन्माष्टमी होती है। राजा बोले 9, लड़की बोली मनुष्य के शरीर में 10 दरवाजा है और आंख के नीचे 9 दरवाजा है। राजा बोले 10, लड़की बोली लंका में 10 भुजा वाले रावण राजा थे। राजा बोले 11,
लड़की बोली 11 दिन में एकादशी व्रत होता है, राजा बोले 12, लड़की बोली महाभारत में पांचों भाई पांडव को 12 वर्ष वनवास मिला था, राजा बोले 13, लड़की बोली कि 1 वर्ष पांडव को गुप्त वास मिला करके 13 पूरा हुआ था, राजा बोले 14, लड़की बोली देव और दानव के बीच समंदर मंथन करने में अमृत मिला, देवता अमृत लेकर 14 रत्न लेकर चले गए और दानव को विष मिला, राजा बोले 15, लड़की बोली 15 दिन में अमावस्या होता है, 15 दिन में पूर्णिमा होता है, राजा बोले 16, लड़की बोली जब किसी लड़की की शादी होती है 16 श्रृंगार पहन करके लड़की अपने पति के घर जाती है, राजा बोले 17, लड़की बोली सतयुग में राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे, राजा बोले 18, लड़की बोली 18 पुराण होते हैं, राजा बोले 19, लड़की बोली हर औरत को पति से हमेशा 19 रहना चाहिए ताकि घर में विवाद नहीं हो, राजा बोले 20, लड़की बोली जहर खा करके कभी इंसान को मरना नहीं चाहिए, राजा साहब हार गए लड़की जीत गई, राजा कहा कि बोलिए क्या चाहिए बेटी, कहा कुछ नहीं चाहिए बस इस ज्ञान का कीमत कोई दे नहीं पाएगा, लोग करे मन मानी मुंडन कार हो जाला, लोग करे मन मानी मुंडन कार हो जाला, चले के बढ़िया सब बेकार हो जाला, चले के बढ़िया सब बेकार हो जाला, चंगावती आगे आगे चंदन कुमार पीछे पीछे चंगावती आई, महात्मा जी को जब चंदन प्रणाम किया महात्मा जी बोले पागल औरत इतना सुंदर बेटा को मेरे लिए काट देगी, एक ही बेटा है अगर ये बेटा मर जाएगा तो तुमको मरने के बाद कोई अग्निदान पिंड दान करने वाला कोई नहीं बचेगा, बेटा को मत मारो। चंदन कुमार कहा मां बाबा के हर बात को मान लेना है लेकिन ये नहीं मारने की बात कहेंगे तो इनके बात को नहीं मानना है, एक ना एक दिन इंसान को मरना ही पड़ेगा।